भसीन साहब को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, आपको पहले तो सबसे पहले लोहरी की लख लख बधाइयां। भाई सुना इस बार लोहरी में कुछ 5-6 डिग्री का टेम्परेचर हो गया था, फिर भी लोहरी में 3 डिग्री 2.7 डिग्री कल था। हालत संजीव जी ने भेजा कि कितनी ठंड पड़ रही है दिल्ली में। कैसी रही लोहरी आपकी संजीव जी? हाँ गुड मॉर्निंग अजय, आपको प्रियंका और डिम्पी को लख लख बधाइयां सर। 2.7 डिग्री आज है और क्या लोहड़ी बढ़ रही है, आप बोल रहे हैं लोहड़ी 22,000 इंडेक्स हो गया। अरे इसी सर्दी में तो दिल्ली में मजा है। तो लोहड़ी दी लख लख बधाइयां सर, सबको अच्छी सेहत मिले, तरक्की मिले और खुशहाली मिले, ये होती है। इसमें फसल भी अच्छी आएगी और शेयर बाजार को आपको दिखा रहा है, सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द मार्केट एज सच। जहाँ 22,000 आपको कहा था वो आ गया, जो लास्ट वीक कोई भी नहीं कह रहा था। और जैसे मैंने आपको कहा इंडेक्स इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। साथ में अजय जी ये बताता है कि शेयर मार्केट में नेवर से नेवर, ये पर्टिकुलरली दो बड़े पीएमएस हैं, एक ने कहा था हम कभी पीएसयूज नहीं लेंगे, एक ने कहा था हम कभी आईटी नहीं लेंगे, और देखो वो कहाँ है। तो नेवर से नेवर इन द स्टॉक मार्केट। किसने कहा था विप्रो का एडीआर 18% बढ़ेगा और आज मंदी वाले काटेंगे तो 10% ऊपर। आपको 400, 420, 430 ने आपको दिखा दिया शेयर मार्केट में कहां से नेवर से नेवर अगेन। तो आई कंटिन्यू टू थिंक विप्रो इज हेडेड फॉर 550। मैं आप कहूँ तो बाकी की कॉल्स भी दे दूं और पुराने भी आपको अपडेट दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी बताइए, बाकी और कौन से ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप? अजय जी पहले आपको बता दूं, 3 दिन पहले आपको ओएनजीसी कहा था 212.15 में न्यू हाई मारा, आपको 625 पे स्टेट बैंक कहा था 690 का टारगेट, आज भी कह रहा हूँ अब स्टेट बैंक ही जाएगा 690, उसकी अर्निंग बेस्ट आएंगी। तीसरा आपको मैंने कहा था अंबुजा सीमेंट, वो भी अपना टारगेट हिट हो गया, डीसीबी बैंक में अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ आज के लिए। और एबीएसएल एएमसी ने कल न्यू हाई मारा 505 का, जो 465 470 420 से आपके साथ कह रहा हूँ। आज लीजिए आईसीआईसीआई प्रू, देखिए एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट न्यू बिजनेस वॉल्यूम्स आर ऑल ऑन द स्ट्रॉन्ग साइड। आई थिंक इंश्योरेंस जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट है उस तरह के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये इतने स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइज इंस्टीट्यूशन है, यू cannot but make this a theme। और 22,000 पे मुझे कंफर्ट भी चाहिए कि मैं किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेट। तो 565 का पहला टारगेट है, रिजल्ट 17 तारीख को है, रिजल्ट विल बी सुपर्ब ऑफ आईसीआईसीआई ब्लू, 515 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा पिक विप्रो, 465 पे ठोक के कह रहा हूँ, 490 रुपए का टारगेट है और 454 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर रिएट्रेट करता हूँ, इंडस टावर विल बी दी आउट परफॉर्मर फॉर जनवरी टिल द बजट, दिस इज हिटिंग 270-204 का आपका स्टॉप लॉस है। ऑलराइट संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस शेयर्स के अपने ट्रेडिंग आइडियाज आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आप एंजॉय करिए दिल्ली की सर्दी, फिर हमसे मुलाकात होगी आपकी कल। हमारे साथ फंडामेंटल्स पे गौरांग शाह भी जुड़ रहे हैं। गौरांग गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज। कल आपने उत्तरायण मनाई कि नहीं, आपने पतंग वतंग उड़ाए या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, आप सभी को सुप्रभात और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को हमारे तरफ से। तो एक समय हुआ करता था अजय जब सुबह 6-6:30 बजे छत पर चढ़ जाते थे हम और हमारे मित्र, और शाम को जब तक वो कंदील लगा करके पतंग की डोर नहीं कटती थी तब तक हम वहां पर रहते थे। लेकिन कल थोड़ा बहुत परिवार के साथ हम बिजी हो गए थे तो कल पतंग उड़ाने का अवसर भी नहीं मिला, और अब तो समय भी नहीं है। सही बात है, काश वो समय वापस आ जाए, वो बचपन के दिन जब समय या कोई पता ही नहीं रहता था, वो समय अगर वापस आ जाए। मैं देख रहा था मेरे कई सारे मित्र जो हैं मुंबई से ट्रेनें पकड़ के और गाड़ियां पकड़ के गुजरात गए हुए थे, राजकोट बरोडा, वहां से वीडियोस भेज रहे थे, रूफटॉप पार्टियां हो रही थी, जबरदस्त मस्ती हो रही थी। और जहां ये सही कह रहे हैं, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है उत्तरायण का फेस्टिवल, और सांझ को जब तक
सनलाइट एकदम डिम हो जाती है ना, एकदम हल्की, जब जब एक मतलब कहते हैं ना पतंग की छोटी सी वो दिखती रहती है तब तक गेम ऑन रहता है। अभी भी आपके पास एक दिन है, आपको और ग्राम को मैं यही अगले साल मैं उत्तरायण से करूंगा, वहाँ राजकोट या बड़ौदा या अहमदाबाद से शो करूंगा, मैं पहले ही बुकिंग कर देता हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है बहुत सालों के बाद। लेकिन एक बात हम सुबह से कर रहे हैं गौरांग यहाँ पे अपने चैनल पे कि फसल के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से लेके पोंगल साउथ तक, फेस्टिवल जो मामला है वो पूरा फसल का है आफ्टर ऑल, राइट? क्योंकि फसल वो प्रॉस्पेरिटी लाती है, किसान प्रधान देश है हमारा, हुआ करता था एक समय पे, अब तो ये फसल जो बाजार में भी बढ़िया दिखाई दे रही है खड़ी हुई, इसको धीरे धीरे काटना शुरू कर देना चाहिए या अभी खड़े रहने देना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए? देखिए, फसल जब अपने सर्वोत्तम स्तर पर आकर के पक गई होती है तभी किसान उसको काट देता है, अगर ज्यादा समय देता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप हमें पूछे बुनियादी तर्क के आधार पर, तो आप आखिरकार शेयर बाजार में निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी निवेश की पूंजी जो है उसमें आपको सालाना 15-20% या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा, अगर आपके पास बुद्धिमत्ता के साथ निवेश करने की क्षमता है और लंबी अवधि के लिए समय दिया है, तो जब कभी भी आपको अपने निवेश के ऊपर वो रिटर्न मिलता है जो आपको अनुमान था मुनाफा का, तो वो आपको निरंतर मुनाफा बांधना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से निवेश करने की एक कला है शेयर बाजार में, उसी उतनी ही जरूरी है मुनाफा बांधने की कला। आ जाए आप इस मार्केट में केवल रुपए निवेश करते जाएंगे तो ये इट्स लाइक अ ब्लैक होल, देयर इज नो, इट्स अ बॉटमलेस पिट, ये कुएं की कोई तल नहीं बना है, नो बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल। तो निरंतर आपको निवेश में से जो आपने निवेश किया अगर आया है तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी चाहिए, ये भी एक कला है शेयर बाजार में। और हमने वही राय दी है हमारे क्लाइंट्स को कि जैसे जैसे आपको 15-20% या उससे ज्यादा मुनाफा मिलता है, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत मुनाफा बांधते जाए। पॉइंट बहुत बढ़िया बात आपने दी कि थोड़ा थोड़ा लेते चलिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे गौरांग? आप तो उसको उस स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, 6-7% पिछले हफ्ते चला है अगर हम लेके बैठे हैं तो, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो रिवर्सल आया है, क्या आपको कंफर्ट आ रहा है इस भाव से भी होल्ड करेंगे? देखिए, नतीजे शुक्रवार को है अजय मेरे ख्याल से, और वो भी बाजार बंद होने के बाद आएंगे, और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि चौतरफा जो कारोबार फैला हुआ है वहां से बहुत ही शानदार योगदान इनके बैलेंस शीट पर आएगा, और डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा हमारे तरफ से क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो बुनियादी दर के आधार पर आपने सही कहा था अजय, काफी लंबे समय से हम यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और मैं इस स्टॉक से काफी प्रभावित भी हुआ हूँ सकारात्मक रूप से, हाल फिलहाल भी निवेश की राय है हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अब क्योंकि शुक्रवार को नतीजे है अजय, तो मैं कोई आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन 3000 तक के लक्ष्यांक शायद आप देख सकते हैं, ये मैं मध्यम अवधि की बात कर। ठीक है, फाइनली अब सोनी पटनायक से भी बातचीत हो ही जाएगी, काफी टेक्निकल ग्लिचेस थे आज तो काफी दूर कर लिए गए उसको। सोनी, आई होप आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी और हमारी आपकी आवाज भी हम तक पहुंच जाएगी। एक शेयर के साथ शुरू करते हैं जिसके अबव एस्टिमेट नंबर आया हुआ है, जस्ट आइल। ये नंबर से पहले ही चलना शुरू हो गया था, एक बार आप हफ्ते का चार्ट दिखा देंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और अब नंबर्स आए, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक बार ज़रा बताएंगे आज इसमें क्या करना चाहिए, हो सकता है गैप के साथ फिर खुले ये। जी गुड मॉर्निंग दिम्पी जी, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट आइल में तो एक जो ब्रेकआउट दिया है 840-846 के ऊपर, उसका एक ब्रेकआउट आया है। पिछले हफ्ते हमने देखा तो उसने 940 के रेंज को टेस्ट किया था, बट वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल काफी बड़ा एक ब्रॉड हो गया है। सो जब तक 840 को होल्ड करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बिटवीन 860 से लेके 949-920 के रेंज में कर सकता है, बट अल्टीमेटली 940 के ऊपर ही उसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, और अगर 840 को ब्रेक करते हैं तो वहां से वीक हो जाएगा टुवर्ड्स 800 और 780। सो इसको थोड़ा वेट एंड वॉच की यहाँ पे सलाह रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, अगर 940 के ऊपर निकालता है तो ही फ्रेश ब्रेकआउट पे आप उसको प्ले कर सकते हैं फॉर अपर साइड। ठीक है, तो जिनके पास है यानी कि नंबर से पहले खरीदा हुआ है उनको तो आज फिर से हो सकता है गैप के साथ रिवॉर्ड मिले, लेकिन जो इस नंबर्स के बाद खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी जवाब है ना, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।